गंगणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट
अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया गणपतये नमो नमः
विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गंगा
गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवः सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गौरी ललन भगवान गणेश जी महाराज की। भक्तजनों, आज हम भगवान श्री गणेश की महिमाओं की कुछ कथाएं संगीतमय रूप से आपको सुनाएंगे कि भोलेनाथ ने कैसे उन्हें प्रथम पूजनीय होने का वरदान दिया और इसके साथ साथ उनकी अनेकों रोचक और प्रेरणादायक कथाएं आपको सुनाएंगे। तो भगवान श्री गणेश जी के चरणों में ध्यान लगा लीजिए भक्तों, और सुनिए मेरे साथ उनकी महिमाओं की ये पावन संगीतमय कथाएं। श्री गणेश का ध्यान लगाए, चरणों में हम शीश नवाए, गणपति जी का रूप निराला, प्रथम पूजनीय ये कहलाए, भोलेनाथ से वर ये पाए, ये ही विनायक ये ही गणपत, इनकी महिमा सबसे निराली, मूषक की ये करते सवारी, कहते हैं इन विघ्न विनाशक, अनेकों ही हैं इनकी कथाएं, उनमें से कुछ तुम्हें सुनाए, करेंगे शुभ शुरुआत बाद में, पहले हम इन शीश झुकाए। भक्तजनों, समय समय पर भगवान श्री गणेश जी ने राक्षसों का वध करने हेतु अनेकों अनेकों अवतार धारण किए हैं। जिस प्रकार भगवान श्री विष्णु जी ने अनेकों अवतार धारण कर इस धरा से उसका भार मिटाया, उसी तरह भगवान श्री गणेश जी ने भी असुरों का वध करने हेतु कई अवतार धारण किए। एक बार की बात है, जब भगवान कार्तिकेय ने ताड़ का सुर नामक राक्षस का वध किया, तो उसके पश्चात दैत्य गुरु शुक्राचार्य बड़े ही विचलित हो उठे थे, और उन्होंने मोहासुर नामक दानव को बुलाया और उससे कहा कि शिव के पुत्र गणेश और कार्तिकेय अत्यंत बलवान हैं, कार्तिकेय ने ताड़ का सुर का वध किया है, अब हम शिव के दोनों पुत्रों पर आक्रमण करेंगे। ताड़ का सुर का वध जो हो गया, शुक्राचार्य को क्रोध आ गया, प्रतिशोध वो लेना चाहते, मोहासुर को पास बुलाते, मोहासुर से लगे वो कहने, ताड़ का सुर वध किया कार्तिक ने, अपनी सारी सेना लेकर, शुक्राचार्य जो क्रोध में आए, देख देवता भी घबराए, दैत्य करेंगे आक्रमण अब, गणेश को दिया बताए, गणपत ने उनसे ये कहा है, मेरे होते फिक्र ही क्या है, चाहे जितनी आए सेना, भक्तजनों, दैत्यों के गुरु गुरु शुक्राचार्य ने मोहासुर नामक राक्षस को करोड़ों राक्षसों की सेना लेकर शिव पुत्रों से प्रतिशोध लेने के लिए भेज दिया। अनेकों अनेक मायावी राक्षस आक्रमण करने के लिए आते हैं भक्तों, और सभी देवताओं को पराजित कर देते हैं। भगवान गणेश उचित समय की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्होंने देख लिया कि मोहासुर की सेना सभी देवताओं पर भारी पड़ती जा रही है, तो उन्होंने अपना महोदर रूप धारण किया भक्तों, और मोहासुर की सेना पर टूट पड़े। भगवान गणेश का महोदर रूप देखकर अनेकों ही राक्षस डर कर इधर उधर भागने लगे भक्तों, और जो भी उनके समक्ष आया, भगवान गणेश के महोदर स्वरूप ने उसे मार गिराया। अंत में युद्ध करते करते जब दानव सेना का
कोई योद्धा महोदर भगवान के समक्ष टिक नहीं पाया, तो मोहासुर स्वयं गणेश जी से युद्ध करने के लिए सन्मुख आया। किंतु गणेश जी ने तो मोहासुर का वध करने हेतु ही अपना महोदर रूप धारण किया था। अतः भगवान श्री गणेश जी ने पाश का एक प्रहार किया और मोहासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। भक्तों, मोहासुर का बड़ा आतंक है, देवता सामने पाए न टिक है, पड़ने लगे भारी देवों पर। दैत्यों की थी जितनी सेना, उनके आगे टिक पाई न, चुन चुन कर सब पापी मारे। फिर मोहासुर सामने आया, उनके आगे टिक नहीं पाया, मोहदर रूप में श्री गणेश ने महोदर रूप है बड़ा निराला, देवों का भी है रखवाला, देवता भी इन शीश नवाए। भक्त जनों, इस प्रकार से भगवान श्री गणेश जी ने अपना महोदर रूप बनाकर मोहासुर और उसकी दैत्य सेना का संपूर्ण विनाश कर दिया। परंतु जब मोहासुर के कटे शीश ने भगवान श्री गणेश जी से क्षमा याचना की, तो दयावंत श्री गणेश जी ने उसे जीवन दान देकर उसे अपनी शरणागति प्रदान करी। इस तरह मोहासुर भगवान श्री गणेश जी के महोदर स्वरूप का अनन्य भक्त बन गया और गणेश जी की भक्ति में ही लीन हो गया। इसी प्रकार से भक्तों, गणेश जी ने देवताओं की रक्षा की और एक दंत का रूप भी धारण किया था। बात उस समय की है जब मदासुर नाम का एक राक्षस अपनी शक्तियों को पाकर अत्यंत बलशाली हो गया था। मदासुर ने गुरु शुक्राचार्य से शिक्षा दीक्षा ली थी और शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात मदासुर को अपनी शक्ति पर अहंकार हो गया था। एक दिन उसने गुरु शुक्राचार्य से कहा, मैं अब इतना शक्तिशाली हो गया हूँ कि सभी देवताओं को पराजित कर सकता हूँ, आप मुझे देवताओं पर आक्रमण करने की आज्ञा दीजिए गुरुदेव। मदासुर नाम का दैत्य एक था, उसको भी अहंकार हुआ था, शुक्राचार्य से दीक्षा लेकर करके तप मैंने शक्ति पाली और आप ही से दीक्षा ली, अब देवों पे करूं आक्रमण। शुक्राचार्य ये लगे हैं कहने, तुमको आज्ञा दे दी मैंने, जाओ आक्रमण करने जाओ। गुरुदेव से आज्ञा पाकर युद्ध करने को चला मदासुर, पूरी युद्ध की है तैयारी, साथ मिली है सेना भारी। भक्तजनों, इस तरह से मदासुर नामक वो दैत्य अनेक शक्तियां अर्जित करके देवताओं पर आक्रमण कर देता है। गुरु शुक्राचार्य को अपने शिष्य पर पूर्ण विश्वास था कि मदासुर सभी देवों को पराजित करके स्वर्ग के सिंहासन पर अधिकार प्राप्त कर लेगा। तब गुरु शुक्राचार्य ने आशीर्वाद दिया और करोड़ों दानवों की सेना को लेकर मदासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। सभी देवता त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे, तब मदासुर को कोई भी देवता पराजित नहीं कर पाया। तो अंत में भगवान गणेश जी की शरण में सभी देवता आते हैं और भगवान श्री गणेश जी अपना एक दंत रूप बनाकर मदासुर से युद्ध करने स्वयं ही आ जाते हैं। भक्तों, मदासुर तो है बड़ा बलशाली, कुछ तप करके शक्तियां पाली, देवता उसको जीत न पाए, एक दंत का रूप बनाया, देख मदासुर भी घबराया, खुद को जो बलवान मानता पर वो इतना नहीं जाने।
जिसकी की थी नहीं कामना, होगा उस योद्धा से सामना। एक दंत के रूप में गणपत, एक दंत के सामने आया, पल भर भी वो टिक नहीं पाया। उस पापी का किया अंत है, भक्तों इस प्रकार से भगवान श्री गणेश जी ने मदासुर और उसकी सारी सेना को मार भगाया और देवताओं की रक्षा की। श्री गणेश जी की महिमा तो अपरंपार है भक्तों। देवताओं पर जब जब भी संकट आए हैं, उन्होंने श्री गणेश जी से आकर विनती की है, तब श्री गणेश जी ने अपने किसी न किसी स्वरूप में उनकी रक्षा की है और उनके रक्षक बनकर सदा खड़े रहे हैं। भगवान गणेश जी के इन्हीं स्वरूपों में एक वक्रतुंड अवतार भी है भक्तों। वक्रतुंड का अवतार भगवान श्री गणेश ने मत्सरासुर नामक दैत्य का अंत करने के लिए किया था। एक बार की बात है भक्तों, जब सुर नाम का दानव देवताओं को बहुत परेशान करता था, तब भगवान गणेश जी ने वक्रतुंड रूप धारण किया और मत्सरासुर का वध करने आए। तब उसके पुत्र सुंदर प्रिय और विप्र प्रिय गणेश जी के सामने आ गए। गणेश जी ने एक ही वार से मत्सरासुर के दोनों पुत्रों का वध कर दिया और फिर मत्सरासुर पर टूट पड़े भक्तों। जहाँ स्वयं शिव जी के पुत्र हैं, टिक नहीं सकता कोई असुर है। मत्सरासुर तो था अज्ञानी, वक्रतुंड लिया रूप बनाए। मत्सरासुर के पुत्र जो आए, वक्रतुंड ने वार किया है, फिर मत्सरासुर सामने आया, उसको भी तो मार गिराया। मत्सरासुर का वध करने को मत्सरासुर संहार किया है, देवों का उद्धार किया है। वक्रतुंड जो अवतार है, देव भी करते नमस्कार है। तो इस प्रकार भक्तों, भगवान गणेश जी ने वक्रतुंड अवतार में मत्सरासुर और उसके दोनों पुत्र सुंदर प्रिय और विष प्रिय का वध कर दिया। भगवान गणेश के इस वक्रतुंड स्वरूप को देवगणों ने प्रणाम किया। और इसी तरह भक्तों, एक समय की बात है, एक कामासुर नामक दैत्य शिव भक्त था। उन्होंने भगवान शिव की अनन्य तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें तीनों लोकों पर विजय पाने का वरदान दे दिया था। भोलेनाथ तो आखिर भोले ही हैं, बिना सोचे समझे भक्तों को वरदान दे देते हैं। कामासुर दैत्य भी भोलेनाथ की भक्ति करके वरदान प्राप्त करने में सफल रहा। वरदान मिलते ही उसने सबसे पहले स्वर्गलोक पर चढ़ाई कर दी। भोलेनाथ से तीनों लोकों पर विजय का वरदान कामासुर तो पहले ही प्राप्त कर चुका था, सो देवता भला उसका क्या बिगाड़ सकते थे। देवता भोलेनाथ की शरण में हार कर आ जाते हैं तो भोलेनाथ कहने लगते हैं, कामासुर मुझसे ही वरदान पाया हुआ है, इसलिए मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। आपके कष्टों का निवारण तो भगवान श्री गणेश जी ही कर सकते हैं। तब सभी देवी देवता भगवान श्री गणेश जी का आह्वान करते हैं भक्तों। कामासुर ने बड़ा सताया, भोलेनाथ से वर ये पाया, तीनों लोक पर विजय वो पाए। शरण आपकी हम हैं आए, कामासुर को जीत न पाए, आप ही रक्षा करो हमारी। जो देवों ने की है प्रार्थना, विकट रूप धर लिया है अपना, मोर विराजित होकर आए,
जब देवों पर संकट आया, अनेकों रूप में पाप मिटाया, देवों की सुनते हो विनती, भक्तजनों इस प्रकार भगवान श्री गणेश जी ने अनेकों बार देवताओं के संकटों को दूर करने के लिए पृथक पृथक रूप बनाए हैं। बात उस समय की है जब लोभासुर नामक एक बड़ा बलशाली दैत्य कामासुर की तरह ही तीनों लोकों पर अधिपत्य स्थापित करना चाहता था। लोभासुर ये भी जानता था कि देवताओं पर विजय प्राप्त करना अब इतना आसान नहीं रहा, इसीलिए लोभासुर ने भगवान भोलेनाथ की आराधना प्रारंभ कर दी। लोभासुर की भक्ति से आखिर भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और उसे भी तीनों लोकों का स्वामी होने का अभय वरदान दे दिया। देवगण एक बार फिर हाहाकार करते हुए भोलेनाथ की शरण में आ गए। भक्तों देवतागण हैं बड़े आतंकित, आप बचाओ हमें है गणपत, भोलेनाथ को क्या समझाएं, आपने कामासुर को हराया, किंतु अब लो आसुर आया, भोलेनाथ की करके भक्ति, तीन लोक पर जो अधिकार हो, रहना हमारा भी दुश्वार हो, लोभासुर से हमें बचाओ, अपना कोई रूप बनाओ, अपना गजानन रूप बनाया, लोभासुर को भी है हराया, फिर से भक्तों श्री गणेश ने देवों को संकट से बचाया। इसी प्रकार भक्तों भगवान देव गजानन ने क्रोधासुर नामक दैत्य का भी वध करने के लिए अपना लंबोदर रूप बनाया। क्रोधासुर दैत्य भी भगवान सूर्य की कठोर तपस्या करके भगवान सूर्य से अनेक अनेक वरदान प्राप्त कर चुका था और सभी देवताओं पर विजय प्राप्त करूं ऐसा वरदान भी उसने भगवान सूर्य देव से प्राप्त किया था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर क्रोधासुर को सूर्य देव ने वरदान दे दिया कि जाओ और तीनों लोकों के विजेता बन जाओ। और जब क्रोधासुर ने देवों को फिर से हरा दिया तो देवता फिर हाहाकार मचाते देव गजानन के चरणों में आ पहुंचे। भक्तों क्रोधासुर नामक एक दैत्य है जिससे हम सब हुए परास्त हैं, सूर्य देव की करके भक्ति, आपसे गणपत इतनी है विनती, करनी होगी रक्षा सबकी, हम जो उनसे जीत न पाए, श्री गणेश ने उनसे कहा है, बोलो क्रोधासुर तो कहाँ है, लंबोदर का रूप बनाया, देवों ने पता बताया, रूप बनाया जो लंबोदर टिक नहीं पाया है, क्रोधासुर आतंक उसका मिटा दिया है, मार मार कर भगा दिया है। भक्तों इसी प्रकार भगवान श्री गणेश जी ने एक बार अहंतासुर के आतंक को मिटाने हेतु अपना धूम्रवर्ण अवतार बनाया था। अहंतासुर भी अन्य राक्षसों की तरह अत्यंत बलवान था, किंतु गणेश जी ने धूम्रवर्ण अवतार में अहंतासुर दैत्य को भी परास्त कर दिया और देवों को उस असुर के आतंक से मुक्ति दिलवाई। भक्तों जब जब भी देवता गणों पर कोई विपदा आई है भगवान श्री गणेश जी की वो शरण में आए हैं और देव गजानन ने भी अलग अलग अवतार धर उनकी रक्षण की है। ऐसे ही ममासुर से भी देवताओं का रक्षण करने हेतु भगवान श्री गणेश जी ने विघ्नराज का रूप धारण किया था और ममासुर नामक दैत्य को भी परास्त कर दिया था। भक्तों विघ्न राज अवतार लिया है, ममा असुर संहार किया है, विघ्न राज तुम बन कर आए, विघ्न विनाशक भी कहलाए, रूप आ
आपके न्यारे न्यारे, भक्तों को सब लगते प्यारे, हर एक रूप में आप गणपति, नाम तुम्हारा ही है सुमिरना, भक्त जनों की रक्षा करना, सबसे पहले तुमको ध्याए, हंस राज रल हन ये कहता, हर पल आपका नाम सुमिरता, हम भी पूजा करें तुम्हारी, सुरेश और ज्योति तिवारी। तो देखा आपने भक्तों, किस तरह देव गजानन ने अनेक अनेक स्वरूप धारण करके देवताओं का रक्षण किया था। भगवान भोलेनाथ ने भी भगवान देव गजानन को प्रथम पूजनीय होने का वरदान दिया था। तभी से भक्तों, कोई भी शुभ कार्य देव गजानन का नाम लिए बिना प्रारंभ नहीं होता। यदि आप भी इस कलयुग के पाप ताप संतापों से बचना चाहते हैं, तो रोज एक माला देव गजानन के नाम की फिराइए भक्तों, फिर देखिए आप भौतिक जीवन के समस्त सुख धारण करके जीवन के अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त करेंगे। दोनों हाथ खोलकर मन में श्रद्धा भाव जगाकर मेरे साथ बड़े ही प्रेम से बोलिए, बोलिए गौरी ललन भगवान श्री गणेश जी महाराज की। हम विघ्न विनाशक श्री गणेश की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हम विघ्न विनाशक श्री गणेश की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, जनों आज हम गौरी नंदन श्री गणेश की जन्म कथा का वर्णन करेंगे। भक्त जनों, श्री गणेश जी विघ्न विनाशक तो हैं ही, इन्हें सब देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय का वरदान भी प्राप्त है। यदि श्री गणेश प्रसन्न रहे तो माता लक्ष्मी का निवास स्वयं ही भक्तों के घर में हो जाता है। श्री गणेश ही रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। इनकी पूजा करने से भक्तों को सद्बुद्धि प्राप्त होती है। तो आइए भक्तों, सुनते हैं श्री गणेश की ये पावन कथा। गणपति जी का सुन लो भक्तों, कैसे हुआ अवतार, ग्रंथों और पुराणों में वर्णन है बारंबार। श्री गणेश की कथा ये भक्तों बड़ी ही पावन है, श्री गणेश जी कृपा करें जो करता श्रवण है। शिव पुराण में मिलता है श्री गणेश कथा वर्णन, भक्तों अब तुम सभी ध्यान से सुनो लगा कर मन। एक बार गौरा माता जी कर रही थी स्नान, तभी अचानक पहुंच गए हैं शिव शंकर भगवान। लज्जा बस माता के नेत्र फिर झुक ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, एक बार की बात है, माता गौरा जब स्नान कर रही थी तो अचानक वहाँ भोलेनाथ पहुँच जाते हैं। लज्जावश माता का स्नान अधूरा ही रह जाता है। तब माता गौरा ने सोचा, शिवगण तो कोई भोलेनाथ को रोक नहीं सकते, अतः महल के द्वार कोई ऐसा दरबान होना चाहिए जो मेरी आज्ञा के बिना किसी को महल के भीतर प्रवेश नहीं करने दे। माता को इसका एक उपाय सूझा।
माँ को शिव का अचानक आना रास नहीं आया। माता ने अपनी काया से फिर उबटन छुड़वाया। अपने उबटन से माँ ने एक पुतला बनाया है। उस पुतले की बालक के जैसे ही काया है। माता फूकना चाहती है उस पुतले में फिर प्राण। यही समझ कर माता ने किया भोलेनाथ का ध्यान। फिर माता ने उसके कान में मंत्र फूक दिया है। मंत्र की शक्ति से पुतला भी जीवित हो गया है। पुतला माँ ने बनाया था अब प्राण आ जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। स्नान और ध्यान में किसी प्रकार का विघ्न नहीं होना चाहिए, यही सोचकर माता ने अपने उबटन से पुतला बनाया था और अपने मंत्र की शक्ति से उसमें प्राण फूंक दिए ताकि माता के स्नान में कोई विघ्न ना आए। श्री गणेश जी को इसीलिए विघ्न विनाशक भी कहते हैं। सर्वप्रथम बालक ने माता को प्रणाम किया। माँ गौरा ने भी है उसको आशीर्वाद दिया। बालक बोला माता जी बतलाओ मेरा काम। जिसके लिए किया है आपने माँ मेरा निर्माण। गौरा माँ ने फिर तो विनायक को है दिया आदेश। मेरी आज्ञा बिन कोई भीतर करे नहीं प्रवेश। अब से विनायक तुम समझो मेरी ही हो संतान। कंदरा द्वार पे पहरा देना बन करके दरबार। माँ की आज्ञा पाके विनायक शीश झुकाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। विनायक ने शीश झुकाकर बोला, हे माता, आपने मुझे जिस कार्य के लिए बनाया है कृपा करके मुझे आज्ञा दें। तब माता गौरा कहने लगी, हे विनायक, तुम कंदरा के द्वार पर दरबान बनकर पहरा देना और इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी मेरी आज्ञा के बिना कंदरा के भीतर प्रवेश ना करे। अब मुझे स्नान करने को जाना है, तुम कंदरा के द्वार पर जाकर पहरा दो। पहरेदार बन करके विनायक बैठ ही जाते हैं। भोलेनाथ इतने में कंदरा द्वार पे आते हैं। देखा कोई बालक बैठा बन करके दरबान। भोलेनाथ उस बालक को तो ना पाए पहचान। कंदरा के भीतर प्रवेश जो भोले ने करना चाहा। झट से वो बालक है फिर भोले के सामने आया। कहने लगा बाबा मेरी माँ ने दिया मुझे आदेश। उनकी आज्ञा बिना करे ना कोई भीतर प्रवेश। आप बताओ किस अधिकार से भीतर जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। विनायक ने भोलेनाथ को
भीतर जाने से रोक दिया और कहने लगे कि हे बाबा, मेरी माता का आदेश है कि उनकी आज्ञा के बिना कोई भी भीतर प्रवेश नहीं कर सकता, अतः मैं आपको कदरा के भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं दूंगा। अनजान बालक के वचन सुनकर भोलेनाथ को बड़ा ही विस्मय हुआ और विनायक से कहने लगे, कौन हो बालक और बताओ कहां से तुम आए, हम हैं भोलेनाथ हमें पहचान नहीं पाए। जिस माता की तुमने बालक आज्ञा है मानी, उसी तुम्हारी माता के हैं हम तो स्वयं स्वामी। पहले विनायक ने उनको है अपना परिचय बताया, कहने लगे माता ने मुझको पहरे पर बैठाया। आज्ञा दी है माता ने तो मुझे माननी होगी, कंदरा के भीतर प्रवेश न कर सकते तुम जोगी। माता को दिए वचन पुत्र तो सदा निभाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब विनायक अपनी जिद पर अड़ जाते हैं तो भोलेनाथ बड़े ही आश्चर्यचकित होते हैं और नंदी से कहते हैं, हे नंदी, इस हठी बालक को यहाँ से हटाओ। भोलेनाथ की आज्ञा पाकर नंदी विनायक को बलपूर्वक हटाने का प्रयास करते हैं, किंतु विनायक टस से मस नहीं हुए। इतना देखकर अनेकों ही शिवगण आ जाते हैं और बलपूर्वक विनायक को वहां से हटाने का प्रयास करते हैं, किंतु अकेले विनायक सभी शिवगणों पे भारी पड़ जाते हैं। सारे ही शिवगण मिलकर भी उन्हें हटा ना पाए, इतना देख कर भोलेनाथ को क्रोध बड़ा ही आए। भोलेनाथ ने फिर से विनायक को चेताया है, हट जाओ बालक वरना समझो काल तेरा आया है। किंतु विनायक ने तो जैसे सुनी नहीं चेतावनी, शिवगण और विनायक में हो रही थी तनातनी। उस बालक पर भोलेनाथ को क्रोध बड़ा ही आया, क्रोधित होकर भोलेनाथ ने फिर त्रिशूल चलाया। शीश विनायक का त्रिशूल से काट गिराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सभी शिवगणों ने अपना पूरा बल लगाया, किंतु विनायक को कोई भी वहां से हटा नहीं पाया। इतना देखकर भोलेनाथ बड़े ही क्रोधित हो गए और उन्होंने त्रिशूल के वार से विनायक का शीश ही काट गिराया। इतने में स्नान करके गौरा माता लौट आती हैं। जब उन्होंने देखा कि गणेश मूर्छित पड़े हुए हैं और भोलेनाथ बड़े ही क्रोधित हैं, तो तुरंत समझ गई और कहने लगी, हे भोलेनाथ, ये आपने क्या किया? तो भोलेनाथ कहने लगे, ये बालक बड़ा ही जिद्दी था, मुझको यह भीतर प्रवेश करने से रोक रहा था। ना तो इसने मेरी बात मानी और ना ही किसी शिवगण की बात मानी और बल प्रयोग करने लगा, इसीलिए मैंने इसे उचित दंड दिया है। तब भोलेनाथ से माता गौरा विलाप करते हुए कहती हैं,
स्वयं ही भोलेनाथ दिया था मैंने इसे आदेश, मेरी आज्ञा बिना करे ना कोई कंदरा में प्रवेश। मेरे ही आदेश का पालन ये तो कर रहा था, आप बताएं भोलेनाथ फिर इसका दोष है क्या। दोष अगर मेरा ही है तो दंड मुझे भी दो, या फिर मेरे पुत्र को भोले जीवित तुम कर दो। कहने लगे भोले ये तो ना संभव हो पाएगा, खंडित हो गया शीश वार से कैसे जुड़ जाएगा। सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। विनायक को मूर्छित अवस्था में देखकर माता गौरा विलाप करने लगी और बार बार भोलेनाथ से अपने पुत्र को जीवित करने की विनती करने लगी। किंतु भोलेनाथ ने समझाया कि हे देवी, ये कदापि संभव नहीं है, क्योंकि त्रिशूल के वार से विनायक का शीश ही खंडित हो चुका है। जब बार बार विनती करने पर भोलेनाथ नहीं माने तो माता गौरा अत्यंत ही क्रोधित हो गई और कहने लगी, यदि मेरा पुत्र ही जीवित नहीं हो सकता तो फिर मेरे क्रोध की ज्वाला का ताप तीनों लोकों को सहना पड़ेगा। माता का यह विकराल रूप देखकर सभी देवता गण थर थर कांपने लगे। उन्होंने भोलेनाथ से विनती की, हे भोलेनाथ, यदि माता की क्रोध की अग्नि भड़क गई तो तीनों लोक जलकर भस्म हो जाएंगे, अतः हम आपसे विनती करते हैं कि विनायक को जीवित करने का कुछ उपाय कीजिए। आखिर भोलेनाथ है भक्तों बड़े ही वरदानी, सब देवों ने विनती की तो भोलेनाथ ने मानी। लेकिन बोले शीश तो इसका खंडित हो गया है, खंडित शीश विनायक का ना फिर से जुड़ सकता है। संभव है तब प्राण लौटने दूजा शीश कोई हो, जीवित कर दूंगा मैं इसे कोई शीश तो लाके दो। किंतु सिर्फ उस बच्चे का जिस बच्चे से माँ निश्चिंत हो करके सोई हो अपनी पीठ घुमा। ऐसा शीश जुड़ेगा भोलेनाथ बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ ने बताया कि विनायक का जीवित होना तभी संभव है जब इसके लिए कोई अन्य शीश का प्रयोजन हो, लेकिन ध्यान रहे, शीश ऐसे बालक का होना चाहिए जिससे उसकी माता पीठ फेर के सोई हो। सभी देवता वन की ओर ऐसे शीश की खोज में चल दिए तो स्वयं भगवान विष्णु को भद्रा नदी के किनारे एक वन में ऐसी हथनी दिखाई दी जो अपने बच्चे की ओर पीठ करके सोई हुई थी। भगवान विष्णु उस हाथी के बच्चे का शीश लेकर आ गए और भोलेनाथ के हाथों में सौंप दिया। जैसा भी चाहिए था वैसा शीश मिल गया है, गज का शीश ही भोलेनाथ ने विनायक को दिया है। जोड़ा शीश तो विनायक के फिर लौटाए हैं प्राण, भोलेनाथ वरदानी भी है और है दया निधान। फिर तो विनायक ने भोले से क्षमा याचना
हाथ जोड़ कहने लग कि मुझसे तो भूल हुई। जीवित देख के पुत्र को माता भी प्रसन्न हो जाए। गज का शीश लगा है इनको गजानन कहलाए। भोलेनाथ के चरणों में फिर शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, इस प्रकार भोलेनाथ ने विनायक को फिर से जीवित कर दिया। भक्तजनों, विनायक को गज का शीश लगने के कारण ही इन्हें गजानन के नाम से भी जाना जाता है। जीवित होते ही विनायक ने भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना की। भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उन्हें सभी गणों का अधिपति नियुक्त कर दिया, क्योंकि सभी शिवगण मिलकर के भी विनायक को हरा नहीं सके थे। शिवगणों का अधिपति होने के कारण ही इन्हें गणपति बोला जाता है। आइए भक्तों, सुनते हैं विनायक को प्रथम पूजनीय होने का वरदान कैसे मिला था। गणेश कार्तिक दोनों ही भक्तों शिव की है संतान। दोनों ही उत्तम है वो तो और दोनों ही महान। एक बार दोनों भाइयों में होने लगी चर्चा, दोनों में से किसको मिले सर्वोत्तम का दर्जा। दोनों भाई आपस में ही जानना चाहते हैं, प्रश्न ये लेकर ब्रह्मा जी के पास में आते हैं। दोनों भाइयों ने ब्रह्मा जी को है किया प्रणाम। लगे पूछने हम दोनों में बोलो कौन महान। सुनकर उनका प्रश्न ये ब्रह्मा जी मुस्काते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कार्तिक और गणेश का ये प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी मुस्काए और कहने लगे, इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे पास भी नहीं है। आप दोनों विष्णु जी के पास जाएं, हो सकता है विष्णु जी इस प्रश्न का हल कर दें। तब दोनों भाई अपना यही प्रश्न लेकर विष्णु जी के पास आते हैं और उनके चरणों में वंदन करते हुए वही प्रश्न विष्णु जी से भी करते हैं। किंतु विष्णु जी ने भी प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थता जताई और कहने लगे, आप दोनों भाई भोलेनाथ की संतान हैं, तो स्वयं भोलेनाथ ही बताएंगे आप दोनों में उत्तम कौन है। तब दोनों भाइयों ने भोलेनाथ से आकर यही प्रश्न किया। उनका प्रश्न सुनकर भोलेनाथ कहने लगे, पृथ्वी का चक्कर जो भी पहले लगा कर आए, दोनों भाइयों में सुन लो वही उत्तम माना जाए। सर्वोत्तम होने का उसे ही मिल जाए अधिकार, और पूजा भी करे प्रथम उसकी सारा संसार। इतना सुनकर कार्तिक तो है हुए अधीर बड़े, लगाने को पृथ्वी का चक्कर लेकर मोर उड़े। लेकिन भक्तों विनायक की तो मूषक की है सवारी, उस पे बैठ के कैसे घूमते सोचो पृथ्वी सारी। अपने बुद्धि बल को विनायक फिर अजमाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे गजानन भगवान, तुम तो हो दयानिधान।
भोलेनाथ की बात सुनकर कार्तिक तो तुरंत ही अपना मोर लेकर उड़ गए और सोचने लगे, सर्वोत्तम होने का स्थान तो मुझे ही प्राप्त होगा, किंतु भक्तों गणेश जी का वाहन तो मूषक ही है। कार्तिक से पहले पृथ्वी का चक्कर लगाना उनके लिए कैसे संभव हो सकता था। तब गणेश जी ने अपने बुद्धि बल का इस्तेमाल किया और मूषक पर सवार होकर अपने माता पिता का चक्कर लगा दिया और कहने लगे, माता पिता का स्थान तो सारे ब्रह्मांड से ऊंचा है। श्री गणेश की बात सुनकर भोलेनाथ जी बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्होंने सर्वोत्तम स्थान श्री गणेश को दे दिया। भोलेनाथ के आशीर्वाद से ही सभी देवताओं में श्री गणेश की पूजा सबसे पहले होती है। स्वयं ही भोलेनाथ ने इनको दिया है वरदान, बुद्धि बल के कारण मिला है इनको प्रथम स्थान। इनके बुद्धि बल को भोले ने भी मान लिया, प्रथम पूजनीय होने का भी तब वरदान दिया। श्री गणेश की भक्तों यही तो पावन गाथा है, डीएस पाल भी करके नमन भक्तों को सुनाता है। हंस राज रल हन चाहता है ऐसी कथाएं सुनना, फौजी सुरेश लिखता जाता है श्री गणेश वंदना। सुनते हैं जो भक्त बड़ा ही पुण्य वो पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गणपति सुखकारी अपरंपार है महिमा तुम्हारी। में पूजित शिव के दुलारे, माता गौरा के तुम प्यारे। सब देवों ने तुमको पूजा, तुम सा कोई देव न दूजा। विष्णु और महेशा ध्यान धरे तुम्हरा विघ्नेशा। तुम दाता सबके तुम हो भाग्य विधाता। ओ
भगवान प्रभु है तुम्हारा, वेश तुम्हारा है अति प्यारा। विनायक मंगलकारी भक्तों के हो तुम सुखकारी, सिर सोने का मुकुट विराजे, शंख गदा और पुस्तक साजे। जब जो तुमको हर पल ध्यावे, सुख वो सकल जीवन में पावे। था तुमको ये सुनाए, एक दंता क्यों प्रभु कहलाए। बचपन में ऋषियों को सताते, करके शरारत ये दिखलाते। गन थे शंकर एक दिन, ओ परशुराम तब आए पर्वत पर। विघ्नेश्वर उनको समझाते, ओ परशुराम कुछ समझ न पाते। प्रभु बोले मिल कर ही जाऊं, ओ ना जो मिले तो घर नहीं जाऊं।
लिए मिलन न होगा। युद्ध तुम्हें फिर करना होगा, भयंकर हुआ रे परस पर किए बार गणपति ने निष्फल। परशुराम ने फरसा फेंका, विघ्नेश्वर का दंत थटूटा। क्षमायाचना करते ऋषिवर, लंबोदर ने पाया तब वर। कथा ऐसी भी आती इसी नाम की महिमा बताती। कार्यभार गणपति को सौंपा, लिखते जाओ जो मैं कहता। वो रचते थे लिखते लिखते ना थकते थे। सहसा ही उनकी हो रुक गई गति तब उस लेखन की। साहस नाही छोड़ा ओ, गणपत ने एक दांत को तोड़ा।
महाभारत की कर दी रचना। अद्भुत कार्य की सजग कल्पना, तब वहां आए देवों ने तब सुमन चढ़ाए। भोग है इनको भाता, जो भी चढ़ाता सब सुख पाता। विनायक मंगलकारी, महिमा जग में जिनकी भारी। दंता की गाए जो महिमा, ओ बढ़ती जग में उनकी गरिमा। चरणों में शीश नवालो, ओ पूजन कर सारा सुख पालो। करता से जो ऊर्जा पाई, गणपति महिमा तब ही लिखाई। गालो लंबोदर से खुशियां पालो। गणपति जी रहना सहाई।